अब ऐसा मंजर दोस्तों देखने मिल चुका है और ऐसे मौसम में दोस्तों सांपों का निकलना लाजमी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर जहाँ पे दोस्तों इंसान होता है वहीं पे दोस्तों अनाज भी होता है, और जहाँ पे दोस्तों अनाज होता है वहीं पे चूहा भी होते हैं, और उसी चूहे को खाने की फिराक में अक्सर घर के अंदर सांप प्रवेश कर लेते हैं। और ऐसे में दोस्तों जहाँ पे अनाज भी होता है और ये इनका रसोई घर भी एक हिसाब से है ये, और रसोई घर इनका है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो अनाज गिरता है और उसी को खाने के चक्कर में दोस्तों चूहा आता है, और चूहे को खाने के चक्कर में दोस्तों एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा आता है, और उसे आप साक्षात देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर सावधानी नहीं होती तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि अगर रात के अंधेरे में दोस्तों अगर आप निकल रहे हैं तो आपके हाथों में टॉर्चों का होना बहुत जरूरी है। कब दिखा था भैया ये? अभी से आप देख सकते हैं यह सांप साक्षात यहीं पे सामने बैठा हुआ है, और उसके साथ दोस्तों जब भी ये इंसान को बाइट करता है ये इसे थोड़ा सा साइड आता है, और जब यह सांप यह एक जहरीला सांप है, यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जब भी दोस्तों इसके साथ कोई छेड़खानी कोई बदतमीजी होती है तो ये तुरंत इंसान को बाइट करता है, और इस ऐसे सांपों के बाइट करने के बाद दोस्तों आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल जाना है। अब ये ऐसा मंजर दोस्तों देखने को पहली बार मिला हुआ है, अब आप इसे देख सकते हैं कि ये जब भी दोस्तों यह अपने हुड को निकाल के अपने फन को दोस्तों निकाल के खड़ा होता है तो ये लोगों को डराने के लिए खड़ा होता है कि आप हट जाइए यहाँ से, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और दोस्तों इसे हम आसानी से इस सांप का रेस्क्यू करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे सांपों के साथ खेलना अच्छी बात नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, और इसके काटने के बाद दोस्तों 35 से 40 मिनट का हमें समय मिलता है। इतने में हमें करना क्या है, हमें सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल जाना है। तो इसी के साथ दोस्तों इस सांप को हम लेकर चलते हैं बाहर, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं। और ऐसे से ऐसे सांपों को पकड़ना दोस्तों खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन यह काम दोस्तों एक एक्सपर्ट के लिए ही है, अगर आप करेंगे दोस्तों तो आपके साथ हादसा हो सकता है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों काफी दिनों से सांप यहीं पे दोस्तों रहता हो और आज इंसान की दोस्तों निगाह पड़ी हो। इधर से चलिए ना, इसमें भरेंगे इसको डब्बे डब्बो लिया हुआ जो डब्बों में छेद करना था वो डब्बो था जो उसने वो रखा। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा दोस्तों जो जहरीला सांप है दोस्तों, और ये काफी अग्रेसिव है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूं। और ऐसे सांपों को दोस्तों ट्रीट करना हैंडल करना दोस्तों काफी मुश्किल भरा होता है, और यह जब भी दोस्तों इसके साथ कोई छेड़खानी और कोई बदतमीजी होती है दोस्तों तो ये तुरंत इंसान को बाइट करता है, और जो भी चीज़ें दोस्तों इसके सामने इंडिकेट की जाती हैं उस पर दोस्तों यह आकर्षित करता है। तो ऐसे में दोस्तों जब भी हम लोग अपने पैर को ऐसे हिलाते हैं तो जो भी चीज़ इसके सामने दोस्तों इंडिकेट किया जाएगा जो भी चीज़ उस पर दोस्तों इसका ध्यान जो होता है वो आकर्षित होता है और वो उसी पे बाइट करने का पूरा मूड रहता है दोस्तों। और दोस्तों हम लोगों का वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है लोगों को जाग, और जैसा कि दोस्तों आप सिर्फ देख सकते हैं डिब्बे में आसानी से दोस्तों जाना नहीं चाहता, तो इसलिए हम दूसरी प्रक्रिया अपना के दोस्तों इसे सुरक्षित पैक करने का पूरा प्रयास करते हैं, और ले चल के दोस्तों इसे किसी दूर जंगल में जहाँ इंसानों को आना जाना न हो वहीं पर ले चल के दोस्तों इसे रिलीज करते हैं।
क्योंकि दोस्तों खतरा इसी समय होता है। ले लीजिए। नहीं नहीं छोड़ दो। ढक्कन ठीक है ना? हाँ ढक्कन ठीक है। ऊपर हो जाए तब बन गया। दोस्तों इसे सुरक्षित हम डिब्बे में पैक कर लिए हैं और खतरा दोस्तों इसी समय होता है। अब इसमें ऑक्सीजन लिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं।